अब यहां पर ये क्वेश्चन देख के बहुत लंबा लगता है, बट अब इसमें कई बार आप ये भी सोचोगे कि मैं एंगल ले लूं, पर एंगल लेके भी कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होना है। ये क्वेश्चन वैसे ही बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो जीरो से क्या लिखा है? अच्छा एक बार बताइए, जीरो से पाई बाई फोर क्यों दिया आपको पता है? ये इसका बहुत बड़ा रीजन है। आप अगर देखिए, अगर 10 ठीक पाई बाई फोर क्या होता है? 1। ये इसकी की है। कई लोग इस चीज को शायद ध्यान नहीं देंगे कि ये क्यों दिया है। समझिए, अगर मैं यहां पर जीरो रखूं तो मुझे पहला टर्म मिलेगा 1, जब मैं रखूंगा 1 तो मुझे मिलेगा -10 स्क्वायर थीटा, जब रखूंगा 2 तो 10 पावर, ऐसे ही मिलेगा ना। अब सुनिए क्या है कि इसमें पाई बाई फोर से कम इसलिए दिया है कि अगर ये पाई बाई फोर से बड़ा होता तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती, और 1 से बड़ी हो जाती तो इनफाइनाइट सीरीज का जो समेशन होता है उसमें आर ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। इसलिए ये इसके लिए बहुत जरूरी था, नहीं तो क्वेश्चन कैंसिल तक हो जाता। अच्छा अब बहुत ही सिंपल है, बिना मतलब एक स्टेप लिखे लिख सकते हो। बताओ a/(1-r)। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो x होगा 1/(1+10²θ) एंड दिस इज sec²θ, तो x कितना आ गया? cos²θ। ये x आ गया, यस और नो? अब मैं बोलूं y, आप एक सेकंड में लिख दोगे 1/(1-sin²θ)। 1-sin²θ क्या होता है? cos²। सही लिखा? हाँ, 1, सॉरी सॉरी सॉरी, 1-cos²θ आएगा। तो ये हो गया 1/(1)sin, या ऐसे ही लिखा रहे दो, 1-cos²θ। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो बिना उलझे, y=1/(1-x)। क्वेश्चन खत्म। y-xy=1, तो क्या लिख सकते हो? y कॉमन ले लो, 1-x=1 है कोई? ये